नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज कुकिंग BHS में। आज हम आए हैं आपके लिए, एक नए तरह की रेसिपी है दोस्तों। इसका नाम तो हमें भी नहीं पता, आप लोग कमेंट में नाम बता देना क्या नाम रखें इसका। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या सामान चाहिए और किस प्रकार से ये बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ आलू, और ये है हमारे पास मूँगफली, पीनट्स, और ये कुछ कड़ी पत्ते। सिंपल रेसिपी है, पहले हम आलू को बारीक काट लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। दोस्तों आलू को हमने इस प्रकार बारीक काट लेना है, और आलू को हमने इस प्रकार से पहले चिप्स टाइप का निकालना है, उसके बाद हमने इस प्रकार से बारीक काट लेना है। आपने अभी तक हमारे बलराम भाई को नहीं देखा होगा, ये हमारे बलराम भाई हैं जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं। एक्चुअली आज बलराम भाई बनाएंगे ये रेसिपी। तो चलिए पहले हम आलू को काट लेते हैं, बाकी आगे का दिखाते हैं आलू को किस प्रकार काटना है। पहले एक बार हम काट लेते हैं आलू को, हमने इस प्रकार काट लिया है, देख सकते हैं बारीक है, जूलियन में काट लेना है। उसके बाद हम इसको ठंडे पानी में भिगो के रखेंगे। ठंडे पानी में हम 20 से 25 मिनट भिगो के रखेंगे, बाकी आगे का प्रोसेस हम आगे दिखाते हैं आपको। देखिए 25 मिनट हो गए हैं, और ये आपका जो आलू है ये ठंडे पानी में भिगोने से हार्ड हो गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे पानी से, फिर सुखा लेंगे हल्का सा। दोस्तों हमने पानी छान लिया है, अब इसको हम आलू को जो है रूम टेम्परेचर में सुखा लेंगे। तो हमने लिया एक थाली, थाली में हमने बिछाया नैपकिन, और उसमें हम आलू को इस प्रकार फैला के डालेंगे ताकि ये पानी इसमें ना रहे। आप भी इस प्रकार से रूम टेम्परेचर में हो या फिर पंखे में सुखा लीजिए। दो नैपकिन हमने इस प्रकार से ऊपर से भी डालेंगे ताकि ऊपर का पानी भी सूखे। इस प्रकार से हमने इस पर पानी निकाल लेना है, जो भी एक्स्ट्रा पानी है, आप चाहे तो दो या तीन बार इस तरीके से टिश्यू पेपर से आप इसका ऐसे करके पानी निकाल लें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे छोड़ दें खुले में, और इस प्रकार से या तो पंखे के सहारे भी सुखा सकते हैं। इस प्रकार हम नैपकिन बिछा के हमने आलू को जो है इस पर डालना है ताकि खुली हवा में आलू सूख पाए। जो भी उसमें एक्स्ट्रा पानी है हम उसको निकाल लेंगे। पतला पतला आप डाल लीजिए, आप चाहे तो पंखे में भी सुखा सकते हैं इसे। इस प्रकार से खुली हवा में छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, जब इसका पानी सूख जाएगा तब हम इसे उठा के आगे का प्रोसेस करेंगे। ये हमने आलू को इस प्रकार से फैला लिया है, और साथ में हमने अपना पंखा भी चालू कर दिया है, अब देख सकते हैं, ताकि ये जल्दी सूख जाए। दोस्तों 20 मिनट लगे हैं हमें इस आलू को सुखाने में, आप देख सकते हैं इसमें ज़रा सी भी नमी नहीं है। आप भी इस प्रकार से पानी को सुखा लीजिए, और दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। दोस्तों ये हमने आलू को निकाल लिया है, लेकिन आपके साथ एक टिप्स हम शेयर करेंगे, जब भी आप आलू को सुखाएँ तो इस प्रकार टिशू में ना डालें। हमने टिशू में डाला था, ये छुड़ाने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था, और ये चिपक गए हैं देखिए टिशू के साथ, तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहे हैं। आप कोई भी सूती का कपड़ा लीजिए और उसमें डालिए ताकि छुड़ाने में आसानी हो। दोस्तों कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम मस्टर्ड ऑयल, आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, डीप फ्राई करेंगे हम। दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है, और हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा आलू डालेंगे, इस प्रकार से डीप फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। दोस्तों ये हमने सारे आलू को फ्राई कर लिए हैं, डीप फ्राई कर लिए हैं,
आप देख सकते हैं ये अलग अलग रखे थे ताकि सूख जाए, ताकि इसमें क्रिस्पी बना जाए। अब हम सभी को मिक्स कर लेंगे एक बार। देखिए दोस्तों आवाज़ भी आ रहा है आपको क्रिस्पीपन में। हमने कुछ मूंगफली और कड़ी पत्ते भी निकाल लिए थे, इनको भी मिक्स करेंगे इसमें। इसमें हम अपने मसाले मिक्स करेंगे। हम डाल रहे हैं इसमें चाट मसाला पाउडर, साथ में हम डालेंगे काला नमक, नमक जो आपने स्वाद अनुसार डालिएगा। इसलिए हम डाल रहे हैं इसमें मैगी मसाला। मैगी मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दोस्तों इसमें आवाज़ देखिए आप, क्रंचीपन है, मसाले भी हैं। इसको आप टेस्ट करके देखते हैं एक बार। दोस्तों आलू बहुत ही क्रिस्पी है और एकदम बाजार वाला टेस्ट आ रहा है। होममेड भुजिया कह सकते हैं आप इसे, स्नैक्स कुछ भी आप अपना नाम दीजिए, कमेंट में ज़रूर इसका नाम सजेस्ट कीजिए। नाम हमें नहीं पता लेकिन खाने में बहुत ही टेस्ट है, आप भी घर में ट्राई कीजिए। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।